पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बताऊंगा। आज का टॉपिक है मेरे के वीडियो वेपन को, पिस्टल को कलर कैसे कहते हैं। टुडे आई टेल यू हाउ टू कलर एनी पिस्टल, एनी मेटल पीस, एनी आयरन पीस। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ की इल्तमास है कि अगर आप वेपन को कलर करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो गौर से देखनी पड़ेगी और बग़ैर स्किप किए देखनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा मतलब जो है ना, मैं कट कर कर के वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, पहले मैं आपको तरीका डिटेल से बताऊंगा ऐसे ही, और फिर वो मैं तरीका आपको करके दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको वेपन कलर करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव बाइंडिंग वायर, ठीक है। आपके पास बाइंडिंग वायर होनी चाहिए, ठीक है। ये बांधने वाली तार होती है, ये किसी भी आपको आयरन शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर जहर होती है। ये मतलब जो है ना, आपके हाथों को, आँखों को, नाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो इस वजह से आपके पास सेफ्टी ग्लव्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास ये स्क्रैचिंग पेपर होना चाहिए, वाशिंग पेपर होना चाहिए, क्लीनर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको ये होगा कि आपने पुराना कलर जो है वो वॉश करना है अपने वेपन के ऊपर से। उसके बाद आपके पास क्लीनिंग पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कलमी छोरा, ठीक है, कलमी छोरा होना चाहिए। इसको पोटाशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, और ये कलमी छोरा आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। ये पंसार स्टोर से मिलता तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। पोटाशियम नाइट्रेट के नाम से किसी केमिकल वाली शॉप से मिल जाएगा। अगर ये केमिकल वाली शॉप से आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपको ये कलमी छोरे के नाम से किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कास्टिक सोडा, ठीक है, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको किसी भी केमिकल वाली शॉप से तो बासानी मिल जाएगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड के नाम से मिलेगा, ठीक है। आप किसी केमिकल वाली शॉप पे जाके उन्हें ये बात बोलें कि जी हमें कास्टिक सोडा चाहिए, तो वो आपको नहीं दे पाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोलेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और किसी भी सादी परचून की दुकान से, मतलब जो करियाना वाली शॉप है, तो उससे आपको ये कास्टिक सोडा के नाम से मिलेगा। कास्टिक सोडा का मतलब ये साबुन में इस्तेमाल होता है, ये कास्टिक सोडा के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने के साथ साथ मैं अब आपको ये बताऊँगा इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, और आपको किस मिकदार में पानी चाहिए, किस मिकदार में आपको इसकी कौन कौन सी चीज़ चाहिए, और आप इसको कैसे कलर करेंगे, ठीक है। अभी तो मेरे पास एक ये वेपन है, ठीक है, तो मैं इसको कलर करूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक वेपन ये है, NP22 है, ठीक है। तो इसका ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर जो है ओरिजिनल जो है ये एफ मेड है। अक्सर लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि भाई एफ मेड वेपन को हम कलर कर लें। मैंने जैसे कि बताया, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ये हुआ कि मतलब कोई मसला था, वो मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। लेकिन मेरी उस वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वेपन अपने घर में कलर किया भी, मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने तस्वीरें भी भेजी, मुझे अच्छा भी लगा। और क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कलर भी किया, और उन्होंने मुझे बताया भी, और मतलब जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी ये देखें, इसका जो कलर उड़ चुका है, ये वलैती वेपन एफ मेड है, ओरिजिनल चाइना का NP22 है। तो अभी मैं इसको भी कलर करूँगा, ठीक है। आपके वलैती वेपन को भी कोई मसला नहीं है, ये ओरिजिनल कलर है जो ओरिजिनल हो के आता है, ठीक है। ये इसको वलैती को भी करूँगा। और एक और बात, अगर आपकी नाली क्रोम वाली है, अगर आपकी नाली के अंदर क्रोम है, तो आप इसको क्रोम के ऊपर क्लीनिंग पेपर मारने की बजाय, मतलब आपने क्लीनिंग पेपर नहीं मारना, रेकमार नहीं मारना, ठीक है, इसको बफ़ नहीं करना, बफ़ किए बगैर आपने इसको, ये जहाँ जहाँ से ब्लैक है वहाँ वहाँ से आपने इसको मतलब क्लीनिंग पेपर मार के आपने इसको उसमें जो पट्टी में डाल देना है, तो ये आपका कलर होगा, ठीक है। और आपके क्रोम को भी नुकसान नहीं होगा, और आपका वेपन वलैती है या देसी है कोई मसला नहीं है। तो
उसके बाद एक मेरे पास ये ग्लॉक है, ग्लॉक का बोल्ट है मेरे पास, इसको मैं कलर करूँगा। तो ये चीज़ें मेरा दिखाने का पहले मकसद ये है कि जो है आप पहले देख लें इनकी क्या कंडीशन है, और इसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा कि जब मैं कलर कर लूँगा। तो कलर करने से पहले, अब बात शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये कलर जो है ये परमानेंट कलर है, ये कोई स्प्रे वाला कलर नहीं है, ये स्प्रे के साथ मैं कलर नहीं करूँगा, ये एक मैं उस तरीके से करूँगा जैसे एक असला डीलर करता है, ठीक है। ये तरीका आपको इंशाल्लाह पूरे YouTube पे इस तरह, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इस तरह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मेरा कंटेंट इंशाल्लाह ओरिजिनल होगा और जस्ट आपसे सिर्फ सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, इसके अलावा मैं आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी ही क्रिएटिव वीडियोज़ बनाऊँगा और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको वेपन्स के बारे में बताऊँगा कि जो है ना आप हैरान रह जाएंगे। सो गाइस, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको इसको कलर कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास एक बड़ा बर्तन होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पहले मेरी ये बात आपने, पहले मेरा जो मतलब मैं जिस तरीके से बताऊंगा वो आपने गौर से सुन लेना है, फिर मैं आपको उस बात पर अमल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपके पास एक बड़ा बर्तन होना चाहिए, ठीक है, या जिसे टीन कहते हैं, घी वाला टीन कह लें, जो आपको किसी भी मतलब समोसे पकोड़े वाली दुकान से मिल जाएगा। मैं बड़े आसान अल्फाज में वीडियो बनाऊंगा, जो समोसे पकोड़े वाली दुकान से भी मिल सकता है आपको, बड़ा टीन मिल जाए, उसको आप अच्छी तरह वॉश कर लें सर्फ के साथ। वॉश करने के बाद आप उसके अंदर जो उसका जो भी प्रोसीजर है, जो इसका पेस्ट है, जो इसका मसाला है, उसके अंदर बनाएं। इसके अंदर आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिल्वर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। सिल्वर की जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालेंगे या सिल्वर की चीज़ के अंदर आप इसको बनाएंगे, तो ये आपका सिल्वर ख़राब करेगा, पिघला देगा, ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेटल को कलर करेगा, मेटल का मतलब लोहे की धार को कलर करेगा, लोहा किसी तरह का भी हो ये उसको कलर करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब इसको कलर करना है तो आपको किस क्या काम आपने जो करना है वो आपने ये काम करना है। मेरे पास तो जैसा कि मशीन है, मशीन के साथ तारों वाला ब्रश भी मैंने लगाया हुआ है, क्लीनिंग ब्रश लगाया हुआ है। मेरा काम ज़्यादा होता है, मैंने ज़्यादा काम करना होता है, इस वजह से मैं उसके साथ करूँगा। तो आपके पास घर में ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, तो इसीलिए आपको ये रेगमार, आपको ये एक ज़ीरो साइज़ का ले लें जो पानी के साथ इस्तेमाल होता है, और एक थोड़ा सा मोटा ले लें। सबसे पहले आप मोटा लें, मोटा रेगमार लें, उसके साथ आप इसका पुराना कलर उड़ाएं, ये देखें इस तरह से ये पुराना कलर उड़ाएंगे हम, ये देखें ये पुराना कलर उड़ाएंगे। अब मैं आपको इसको बफ़ करके दिखाऊंगा, मैं जैसे बफ़ करता हूं मैं इसको बफ़ भी करके दिखाऊंगा। मैं इसके साथ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि साथ में वीडियो भी बनानी है। इस वजह से आप इजीली अपने घर में बैठ के आप इसके क्लीनिंग पेपर के साथ इसको बफ़ करें, क्योंकि तारों वाला ब्रश अक्सर लोगों के पास मुश्किल होता है। आप इसको बफ़ करें, बफ़ करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप बफ़ करेंगे तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी सरफेस बनाएं। सरफेस आप इसकी कैसे बनाएंगे, वो आप ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले मोटे रेगमार के साथ इसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बारीक जो वाटर पेपर मिलता है आपको जापानी कहीं से भी मिल जाएगा, उसके साथ साफ़ करें। जो इसके ऊपर ये लाइनिंग्स है, ये लाइनिंग्स नहीं आएंगी। जितना ज़्यादा सरफेस आपका साफ़ सुथरा अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा कलर अच्छा होगा। तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अब आपको इसका मतलब करके दिखाऊँगा। अब मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पेस्ट बनाने के लिए। पेस्ट बनाने के लिए चले, खैर वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, हर स्टेप के साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ। तो अभी इसको मैं बफ़ की तरफ लेके चलता हूँ, अब मैं आपको इसको बफ़ करके दिखाऊँगा। अब हम इसको बफ़ करने लगे हैं। बफ़ करने का मेन मकसद इसका ये होता है, सेफ्टी ग्लव्स आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बफ़ करने का इसका मेन मकसद ये होता है
कि इसके ऊपर से एक तो पुराना कलर जो है उड़ जाता है, और ऊपर ये जो ऑयल होता है जो इसके अंदर लुब्रिकेंट्स लगे होते हैं ये सारे इसके ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। अगर जहाँ पे भी आपके वेपन को ऑयल लगा रह गया वहाँ पे इसको कलर नहीं होगा, ठीक है। और बफ करने के बाद आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि हाथ में नमकियात होती हैं, ठीक है। जब भी आपने बफ करना है, जब आपने क्लीनिंग पेपर के साथ भी बफ करना है,